तंबू के बीच में रह रहे हैं उतने ही पीछे जाने के बाद दो फीट तीन फीट तंबू के पीछे 120 mm यानी 12 सेंटीमीटर डायमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर डायमीटर का एक गड्ढा खोदें बैरल की तरह, वो जमीन के अंदर 3 फीट से लेकर 4.5 फीट तक अंदर बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट बैरल टाइप का वो गड्ढा बनाए। जो मट्टी अंदर से निकलती है अगर वो चिकनी मट्टी है तो उसको एरिया में फैला दें, लेकिन अगर वो रेत टाइप मट्टी है तो उसको अपने दाएं साइड में और बाएं साइड में लगा दें। उसके बाद इस डीटीएल को इस्तेमाल करने के लिए 2 ईंटें एक तरफ और 2 ईंटें इस तरफ रखिए, जैसे ये इसमें बताया गया। इस्तेमाल करने का तरीका, इस्तेमाल करने की डिमॉन्स्ट्रेशन मैं देता हूं आपको। इसको जो आदमी इसको इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर आए, और अपना जो एम नंबर 1 है, एम नंबर 1 इस बैरल के ऊपर रखे, इस ट्यूब के ऊपर, और अपना इस्तेमाल करना शुरू करे। अगर इस्तेमाल करते बार लगता है कि पूरा निशाना सही नहीं हुआ है तो आगे पीछे अपनी एडजस्टमेंट कर सकता है। आगे वाला निशाना के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करके इसको भी इसी बैरल के अंदर लिक्विड को फ्लो करने दें। ये इस्तेमाल करने के बाद दोनों हाथों से जो रेत राइट साइड में रखी हुई है या लेफ्ट साइड में रखी हुई है उसको उठाकर ऐसे डाल, एक या दो मुट्ठी। उसके बाद बकेट से भरी हुई पानी से भरी बकेट और एक मग इसके ऊपर डाल दें, जो इसके ऊपर कवर का भी काम करेगा और पानी का भी काम करेगा। इससे पानी का मग लेके पानी निकाल के यहां पर अपना हाथ धोना, अपना हाथ धोने के बाद अंदर चलेगा। सिंपल 1 मैन डीटीएल, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो जवान इस्तेमाल करता है वो इसको इस्तेमाल करता रहे। इसकी लाइफ 4 फीट की, ये पूरा फिल होने में आपको कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के बाद इसको पूरी उसी मिट्टी से फिल करके बराबर कर दें।